हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट जोन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए कौन सी ऐसी बुक होने वाली है जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बेस्ट होने वाली है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, बिहार पुलिस कांस्टेबल में लगभग 8,500 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी निकाली गई है बिहार सरकार की तरफ से यहाँ पर बिहार पुलिस कांस्टेबल की। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इसमें सिलेक्शन 100% पक्का हो जाए, तो आपको कौन सी बुक लेनी चाहिए और कौन सी बुक से आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर हो जाएगा, तो वो सारी बातें मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। साथ ही यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि आप कहाँ से बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर है वो ले सकते हो और इसका प्रैक्टिस सेट कैसे आप ले सकते हो। तो ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में 100% सिलेक्शन पक्का हो जाए आपका, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं सारे सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग बुक जो है वो बताने वाली हूँ। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सिलेबस क्या है। तो यहाँ पे आपके हिस्ट्री के क्वेश्चंस रहेंगे, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं, इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, साथ ही यहाँ पे जनरल साइंस भी रहेंगे, सामान्य विज्ञान जिसमें कि फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो कि 12th स्टैंडर्ड के यहाँ पे रहेंगे, करंट अफेयर्स भी यहाँ पे आपसे पूछे जाएंगे, बिहार जीके भी यहाँ पे रहेगा और हिंदी इंग्लिश एंड मैथ, ये तीनों पेपर यहाँ पे आपका रहेगा। हिंदी भी रहेगा, इंग्लिश भी रहेगा और मैथमेटिक्स भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। तो ये सारे आपके जो टॉपिक्स है यानी कि जो आपका सिलेबस है, ये सारे सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं आपके बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 एग्जाम में। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन सी बुक है जो बेस्ट रहने वाली है इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज के लिए। तो जीके के लिए आप यहाँ पे लूशन की ये बुक ले सकते हो, सामान्य ज्ञान। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस बुक को ले सकते हो। लूशन की सामान्य ज्ञान ये बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी। यहाँ पे आप इसको ले सकते हो, ये सब्जेक्टिव बुक है। साथ में आपको क्या करना है, इस बुक के साथ साथ आपको यहाँ पे सामान्य ज्ञान जो कि लूशन की ही आती है, इसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रहते हैं, तो आपको इस बुक को भी लेना है। क्योंकि यहाँ पे जितने भी आप चैप्टर्स लगाओगे इसमें, उस चैप्टर को आपको क्या करना है, उस चैप्टर के यहाँ पे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाने हैं, ताकि आपका यहाँ पे साथ ही में जो रिवीजन है वो भी होता है। इसलिए आपको इस बुक को जरूर से लेना है। अगर आप किसी और गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, तो आपके पास लूशन का ये बुक तो होगा ही सामान्य ज्ञान। तो आपको क्या करना है, इस बुक को खरीद लेना है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं और इस बुक के एंड में अगर आप देखोगे तो साथ ही में आपको यहाँ पे जनरल साइंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जिसमें कि आपको फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो के क्वेश्चंस भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो उसमें भी आपको ये हेल्प करेगा। तो आप इस बुक को ले सकते हो, ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पर इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस रहेगा। तो जनरल नॉलेज के लिए इन दोनों बुक होना आपके पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद साथ ही में अगर आप चाहो तो इस पीडी का ये बुक ले सकते हो जो कि रेलवे का आता है। ये यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो सामान्य ज्ञान के, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो आप ये बुक ले सकते हो स्पीडी का जो कि रेलवे का आता है जनरल नॉलेज के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात कर ले जनरल साइंस के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो जनरल साइंस के लिए आपको एक ही बुक लेनी है जो कि है लूशन का सामान्य विज्ञान। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल है, आप इस बुक को ले सकते हो। इसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो तीनों ही इसमें आपका कवर हो जाएगा, तो आप इस बुक को ले सकते हो। तो जनरल साइंस के लिए ये बुक आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, आपको इस बुक को जरूर से लेना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं मैथमेटिक्स के लिए। तो मैथमेटिक्स के लिए आप ये बुक ले सकते हो, डॉक्टर आरएस अग्रवाल सर की ये बुक है। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको बेसिक से दिया गया है, तो अगर आपका भी बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इस बुक को जरूर से ले, जो कि इसका लेटेस्ट एडिशन आपको लेना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जब आप लेटेस्ट एडिशन लोगे तो यहाँ पे आपको जो न्यू क्वेश्चन रहेंगे जो कि एग्जाम हुआ है रिसेंटली, वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। साथ ही में उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको दिए गए और बेसिक से यहाँ पे आपको समझाया गया है। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इस बुक को ले सकते हो और इससे अपना बेसिक क्लियर कर, बेसिक टू हाई लेवल यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस बुक में क्वेश्चंस। तो आप इस बुक को ले सकते हो, आपको इस बुक का जो लेटेस्ट वाला एडिशन है वो यहाँ पे आपको लेना है। उसके बाद यहाँ पे एक और बुक है लूशन की जो कि आती है मैथ की, आप इस बुक को ले सकते हो क्योंकि यहाँ पे आपको ट्रिक्स दिए गए। तो यहाँ पे कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो अगर आपको ट्रिक आता है तो इजीली आप उसको कम टाइम में सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ट्रिक्स भी दिए गए हैं, आप इस बुक को ले सकते हो, लेकिन पहले आपको ये बुक करना है, उसके बाद ही आप इस बुक को लोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा।
उसके बाद बात कर लेते हैं जनरल हिंदी के लिए कौन सी बुक आपको लेनी चाहिए। तो जनरल हिंदी के लिए आप लूशन की सामान्य हिंदी ये बुक ले सकते हो। इस बुक से आपका जितना भी सिलेबस है वो कवर हो जाएगा। तो आपको जनरल हिंदी के लिए सिर्फ और सिर्फ यही बुक लेना है और इसी बुक से आपका जितना भी सिलेबस आपको दिया गया है वो सब यहाँ पर कवर होने वाला है। इंग्लिश की बात करें यहाँ पे, तो इंग्लिश के लिए आप ये बुक ले सकते हो बाय नीतू सिंह। ये बुक जो है वो यहाँ पे आपके जनरल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है। ये इसका अगर आप नया एडिशन लेती हो तो यहाँ पे आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाता है। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका वीडियो सॉल्यूशन भी आपको यहाँ पर मिलने वाला है। नया वाला जो एडिशन अभी आया है इसका, उसमें आपको वीडियो सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर नया वाला एडिशन इसका लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो आप वीडियो से भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बुक सबसे बेस्ट रहेगी आपके कांस्टेबल एग्जाम के लिए, जो कि केडी पब्लिकेशन की है। तो ये बुक बेस्ट रहने वाली है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बेसिक से समझाया गया है और साथ ही में आपको यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन भी मिल रहा है सारे क्वेश्चंस के। तो और इसके अलावा आपको क्या चाहिए, तो आप इस बुक को ले सकते हो जनरल इंग्लिश के लिए। उसके बाद यहाँ पे बात कर लेते हैं कौन सी प्रैक्टिस सेट आपको लेनी चाहिए। तो यहाँ पे जब आप जितने भी सब्जेक्ट आपको दिए गए वो आप पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो, तो उसके बाद आपको प्रैक्टिस सीट लगानी है। तो प्रैक्टिस सीट लगाने के लिए आपको क्या करना है, इस प्रैक्टिस सीट को ले लेना है जो कि अरिहंत पब्लिकेशन की आती है। इसमें 30 प्रैक्टिस सीट आपको दिए गए, जो कि लेटेस्ट सिलेबस पैटर्न पर आधारित है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और 3100 प्लस MCQs यहाँ पर आपको मिलेंगे, साथ ही में आपको सॉल्व पेपर भी दिया गया है। तो आप इस बुक को ले सकते हो, यहाँ पर आपको जो प्रैक्टिस सेट है वो भी दिया गया और MCQs बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे आपको। तो 2020 एडिशन आपको यहाँ पे लेना है इसका। और यहाँ पे किरण पब्लिकेशन की आप ये बुक ले सकते हो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर के लिए। यहाँ पे 2005 से लेके 2020 तक यहाँ पे आपके क्वेश्चंस दिए गए, ये लेटेस्ट एडिशन है ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये है। तो आप इस बुक को ले सकते हो सॉल्व पेपर के लिए। जितने भी बुक मैंने यहाँ पे आपको बताया है सारे बुक को ऑनलाइन बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको बुक लेने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन ले सकते हो इस बुक को, या फिर अगर आप जनरल स्टोर पर भी जाते हो लेने तो आपको यहाँ पर न्यू एडिशन लेना चाहिए। न्यू एडिशन में आपको जितने भी नए क्वेश्चंस हैं जो रिसेंटली एग्जाम हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और जनरल नॉलेज के साथ साथ आपको यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पढ़ना है, ताकि यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पे 1 ईयर का करंट अफेयर्स जो है वो जरूर से कवर करके जाना है, ताकि जितने भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर्स से है वो आपका छूटे नहीं। तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स भी करना है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप चाहो तो आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो, या फिर आप कोई भी करंट अफेयर्स ले सकते हो जिसमें कि मंथली करंट अफेयर्स आते हैं या फिर ईयरली करंट अफेयर्स की बुक भी आती है, तो आप उस बुक को ले सकते हो। तो इस तरह से आप अपना एग्जाम जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हो। तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 के लिए कौन से बुक आपको लेनी चाहिए वो मैंने यहाँ आपको डिटेल में बताई। बुक परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाके आप इन बुक को ऑनलाइन परचेज कर पाओगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक जरूर से कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लेना, ताकि जब भी इसके रिगार्डिंग कोई भी अपडेट आए तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो इसलिए बेल आइकन को जरूर से ऑन कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।